अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डिफरेंशिएशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने डिफरेंशिएशन की भी है जिसमें अलजेब्रिक थी और ट्रिग्नोमेट्रिक थी। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक पर भी बात करते हैं, कुछ सम्स करेंगे ऐसे जो थोड़ा सा उसमें चीजें चेंज हो, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से क्लियर काफी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक सम लेते हैं हम, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन 5x। देखिए बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट है, इसको आप करके देखें। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx y, d ओवर dx साइन 5x। देखिए अंडर रूट हटाएंगे तो क्या लगता है 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा y डैश और इसको हाफ इसका नीचे उतारा और इसमें से 1 माइनस किया जो एक इसका रूल है। उसके बाद ये जाएगा साइन के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर गया, ये तो हो गया 1/2 साइन 5x की पावर। अब हाफ में से 1 माइनस 1 किया, हाफ में से 1 माइनस किया तो माइनस हाफ बनेगा। साइन हमने साइन की जो डिफरेंशिएशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, cos 5x यानी cos x, यानी यहां पर x की जगह 5x तो 5x लिख देंगे और उसके बाद ये जाएगा 5x के ऊपर, एंगल के ऊपर। मजीद इसको आगे बढ़ाते हैं, हाफ 1/2 साइन, देखिए 1/2 साइन 5x और पावर क्या होगी, प्लस की हाफ होगी और ये क्या हो गया, थोड़ा सा मैं क्लियर करके रख रहा हूं, cos 5x और अब ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा और x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 होगी। अब आपका जो है हम आंसर के करीब पहुंच चुके हैं, जो हमारा रिजल्ट रिकॉर्ड देखें, ये 5 पहले आ जाएगा, 5 cos 5x d ओवर dx की 1 होती है और ये हो गया 2 अंडर रूट sin 5x। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये देखें कितना सिंपलेस्ट तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। इसी तरह हम आप दूसरा एक सम लेते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंज हो शायद तो हम उस पर बात करेंगे अभी, ताकि आपको समझना और आसान हो जाए। एक सम लेते हैं हम, y इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन cos square 3x। अब क्या करेंगे, सिंपल सा वही, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx साइन 2x अपॉन cos 3x। अब यहां पर लगेगा एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है जो हम पढ़ चुके हैं, देखेंगे डिवीजन का फॉर्मूला। डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, देखें डिनोमिनेटर में आएगा v स्क्वायर, फिर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। देखें न्यूमिनेटर को आप जो सपोज करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या सपोज करेंगे, v। सिंपल फॉर्मूला v स्क्वायर, v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v, ये फॉर्मूला यहां पर ये लिखा हुआ है। आप इसको देखिए, ये तो गया y डैश इक्वल टू अब cos स्क्वायर। अब इसकी देखिए सिंपल तरीके से cos स्क्वायर, अब ये ऑपरेटर साइन के ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, साइन को cos 2x और उसके बाद किसके ऊपर जाएगा, एंगल के ऊपर गया। इसी तरह साइन 2x, अब ये ऑपरेटर किस पे जाएगा, पावर पे आएगा, पावर पे गया, पावर को नीचे उतारा, cos 2 में से 1 माइनस किया, अब किस पे जाएगा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जाएगा और ये एज इट इज ये चला गया। अब यही आप इसी को और मजीद सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे, ये हो गया cos 2x और 2 का 2x का 2 यानी x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 होगी। sin इसको हम यूं लेते हैं थोड़ा सा,
ये यहां पर ये चीज आएगी। इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो y डैश इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 3x cos 2x माइनस 2 sin 2x cos 3x। cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस sin x यानी माइनस sin 3x। तो अब मजीद डिफरेंशिएट होगा क्या होगा? 3x डिफरेंशिएट होगा और डिनोमिनेटर में आप cos को एज इट इज लिख देंगे। तो y डैश इज इक्वल टू ये देखें क्या होगा, ये तो एज इट इज इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। ये माइनस माइनस प्लस देखें 3 पहले आ जाएगा, ये 3 टू जा 6 6 sin 2x cos 3x sin 3x और 3 हमने पहले लिया है और ये हो गया cos स्क्वायर 3x की पावर 2। अब यहां से हम देखें और आसान क्या हो सकता है, और आसान ये हो सकता है कि हम ये यहां से अब डिफरेंस कॉमन आ रहा हो, देखें cos 3x इधर भी है cos 3x इधर भी है, तो हम cos 3x कॉमन ले रहे हैं, सिर्फ यही कॉमन आया cos 3x कॉमन लिया तो 2 cos 3x cos 2x प्लस 2 भी कॉमन आएगा 2, तो यहां तो माने यहां यह क्या बचा 3 sin 2x sin 3x अपॉन cos स्क्वायर 3x की पावर 2। अब देखें ये और ये कैंसिल हो गए, आपके पास क्या सिंपल जो बचा वो आपके पास क्या बचा 2 cos 3x cos 2x प्लस 3 sin 2x sin 3x अपॉन cos स्क्वायर 3x। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करने पाए हैं सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहां पर खत्म करते हैं, आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम मजीद इस पे अभी सम्स करेंगे। स्टूडेंट हम मजीद सम्स करते हैं, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी करेंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट हैं, जो ड्राइव हुए हुए हैं, जिनकी डिफरेंशिएशन आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह आप ये करने के काबिल हो जाएंगे। जैसे कि साइन इनवर्स एस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका जो हम जब डिफरेंशिएट करेंगे यानी इसका डी ओवर डी एक्स इसका क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स। इसी तरह डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एस इसकी क्या होगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस लगेगा, एक माइनस की साइन इसमें होगी। इसी तरह डी ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स एस इसकी क्या होगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन है। अब इसके बाद कोट की आएगी, कोट की क्या आएगी इसमें माइनस लग जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह सेकंड की आएगी, सेकंड में क्या होगा सेकंड में जो उसका सेकंड होगा एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेकंड माइनस करेगा फिर एक्स क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम अभी हम ये तीन रखते हैं ताकि फिर आप यहां पर लिख देंगे, थोड़ा स्पेस कम है शायद इससे ज्यादा सही वीडियो ना बन सके, तो इसलिए हम आप पहले सम कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर ये कोई बड़ा इशू नहीं होगा। जैसा कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3। देखिए एफ एक्स में वाई है, बात एक ही है, तो अब हमने यहां पर एफ एक्स लेकर रख लिया। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स एफ एक्स डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स
की पावर 3। अब देखें सिंपल आप क्या करेंगे, पहले तो ये तो एफ हो गया, पावर नीचे उतारी तो क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स की पावर 3-1 डी ओवर डी एक्स। अब किस पे जाएगा, अब इनवर्स फंक्शन पे जाएगा, इनवर्स फंक्शन पे चला गया, ये क्या हो गया एफ डैश एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स पावर 2। साइन इनवर्स के हमने क्या देखिए 1/√1-x2। अब किस पे जाएगा, अब एंगल पे आएगा, हर फंक्शन पर डिफरेंट ऑपरेटर जाएगा उसे डिफरेंशिएट करेगा। सिंपल सा देखिए ये आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसकी मान होती है आप कैसे लिखेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स की पावर स्क्वायर अंडर रूट 1-x2। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा कोई सम ले लेते हैं ताकि और बातें क्लियर हो जाए। ये देखते हैं हम अब हम लेते हैं एक थोड़ा सा टिपिकल सा ले लेते हैं। चलें टिपिकल सा हम लेने के लिए हमें थोड़ा सा हमें भी कुछ करना पड़ेगा। एफ एस इज इक्वल टू कॉट माइनस इनवर्स 2x/1-x2। देखें इसमें है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन देखें अलजेब्रिक फंक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंगल में मौजूद है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इतना नहीं है कि हम ना कर सकें। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे ताकि ये करना जल्द कम टाइम में हम ये करने के काबिल हो जाए। कोट 2x/1-x2। देखें सिंपल सा ये तो हो गया एफ डैश एक्स, कोट की क्या बताई थी मैंने, मैंने यहां लिखी नहीं है, लेकिन टेंजेंट क्या है 1/1+x, तो कोट की होगी -1/1+x। इधर x क्या है, इधर x है 2x/1-x2। देखें ये जो यहां पर चीज होगी ना वही ये चीज है, यानी यहां पर एंगल यहां पर जो x दिया हुआ है तो यहां पर भी x ही होगा, यहां पर तो 2x होगा इधर भी 2x आ जाएगा x दिया हुआ। अब इसके बाद ये किस पे जाएगा, अब ये जाएगा 2x/1-x2। अब इसको बस आपको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई करने का तरीका एलसीएम के मेथड से सिंपलीफाई करेंगे हम। अच्छा इसकी इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v/v2 जो हमने कई दफा कर चुके हैं, तो इसको करने में घबराए ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान होता जाएगा, अदरवाइज मुश्किल तो मुश्किल होती है। अब थोड़ा सा स्टेप जल्दी से करेंगे, माइनस ये ऊपर से जाएगा 1-x2/ ये इसको हम कैसे लिखते हैं 1-x2+2x 1-x2 ये x2 है, थोड़ा सा x2 से कर लिखा, ये हो गया 2, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है 2x। अब इसको डायरेक्ट 0-2x और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 होती है, और यहां पर ये आ गया 1-x2। ये देखें ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, थोड़ा और सिंपलीफाई कर दें कंडीशन और आसानी हो जाए, तो अब ये हो गया 2 1-x2 -+ 2x, ये 2x हो गया 4x 4x2 1-x2+2x और सिंपलीफाई करेंगे हम इसे। हालांकि हमें जो काम का डिफरेंशिएशन वो हम यहां खत्म कर चुके हैं, लेकिन सिंपलीफिकेशन है ये बोध है जो जो सिंपलीफाई करने का आदि है वो कर लेगा। देखिए 4x2 में मैं पहले लिख लेता हूं -2x2, थोड़ा सा मैं ऑर्डर में लिख रहा हूं, और प्लस का 2/1-x2+2x। अब सिंपल सा ये देखिए ये हो गया 2x2 +2/1x2+2x। अब अगर कुछ सिंपलीफाई हो रहा है तो आप कर दें, अदरवाइज जो है इसको आप यहां पर भी खत्म कर सकते हैं। अगर
फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टर बनाने की पोजीशन है तो फैक्टर बना देना, और अगर नील का खत्म हो रहा है तो खत्म कर दे ताकि हम सब को खत्म करके मांगी की तरफ जाए। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट समझ आ गया होगा, ये मतलब सिंपल में हो जाएगा, आप इसको खुद कर सकते हैं, आपके बुक में इसका आंसर होगा, उससे आप टैली कर लेगा। हम मजीद इसके सब करते हैं, मेरे ख्याल से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये मैं आपको मजीद है, तीन ये लिख दिए हैं, मैं तीन और लिख देता हूँ, पेपर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम यही खत्म करते हैं ताकि हम मजीद अगले टॉपिक की तरफ जा सके। देखिए वीडियो के अंदर मैं पूरे तमाम सम नहीं करा सकता, लेकिन जितना मुमकिन होगा मैं आपको सम करा दूंगा। अब देखें डी ओवर डी एक्स कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स सेकेंड माइनस यानी इनवर्स एक्स, सॉरी इनवर्स एक्स, तो ये क्या होगा वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह डी ओवर डी एक्स को सेकेंड इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए छह तीन रेशो मेन रेशो साइन कॉस टेंजेंट और उसके जो रेसिप्रोकल होते हैं यानी कोट सेकेंड और कोसेकेंड, उसका हमने इनवर्स फंक्शन की डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला जो ड्राइव किए हुए हैं वो लिख दी। ये ड्राइव करने को नहीं आएगा आपको, ये आगे की बात है, कैलकुलस जब हम ग्रेजुएशन लेवल में या मास्टर्स लेवल में पढ़ेंगे तो उसमें ये बाकायदा ड्राइव किए गए हैं। ठीक है मेरे पास स्टूडेंट, ये हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, आगे हम अगले फंक्शन पर जाएंगे। आप लोगों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अब हम फिर डिफरेंशिएशन का एक नया फंक्शन करेंगे जिसमें हम अब लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम उसका एक सम लेते हैं, एक सम लिया हमने सिंपल सा, पहले तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, इधर वेरिएबल क्या टी है, देखें डी ओवर डी टी वाई डी ओवर डी टी एल एन वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये हो गया y डैश ln, जब ln पे ऑपरेटर जाता है तो हम इसको लिखते हैं वन अपॉन वन माइनस टी वन अपॉन टी, यानी कि ln के बाद जो भी फंक्शन है जो भी एक्सप्रेशन है उसको अपॉन में लिख देंगे। तो हमने भी यहां पर भी हमने ऐसे ही किया, उसके बाद यही ऑपरेटर जाएगा इसके ऊपर, ये देखें ये हमने कर दिया। अब इसको अब सिंप्लीफिकेशन शुरू हो गई है, जब सिंप्लीफिकेशन शुरू हुई तो सिंपल सा, अच्छा इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, ये हम पहले कर चुके हैं, हम इसका फॉर्मूला आएंगे डिवीजन का फॉर्मूला आएंगे u अपॉन v का, v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ, देखें v स्क्वायर v है, v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v क्या है नीचे वाला, ये देखें ये है u ये अपॉन v। अब डायरेक्ट थोड़ा सा करेंगे क्योंकि हम काफी ये चीजें अब अलजेब्रिक फंक्शन में कर चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, देखें वन प्लस टी स्क्वायर टी, ये हो गया वन प्लस टी स्क्वायर, ये डायरेक्ट जीरो माइनस टू टी माइनस वन माइनस टी स्क्वायर और ये हो गया जीरो प्लस टू टी। अब वाई डैश वन प्लस टी स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर, ये देखें अभी मैं एक ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो अब क्या बच, वन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस टू टी माइनस प्लस माइनस टू टी क्यूब माइनस टू टी माइनस माइनस प्लस प्लस टू टी क्यूब अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब आप इसको सिंपल तरीके से इसको आप ये देखें, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसको आपने कैंसिल किया, अब आपके पास क्या सिंपल से क्या बचा हुआ है, देखें ये कैंसिल कर देंगे तो लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हो गया वन, ये हो गया वन। अब ये आपके पास क्या आया, वाई डैश माइनस का 40 माइनस का 40 और उसके अलावा कुछ और चीज ऐसी है जो आप कर सकते हैं, ये माइनस का 40 भी नहीं आएगा, देखें
ये जो है ना ये माइनस माइनस वन से होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 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 टू टी वन से माइनस टू टी और ये माइनस फोर टी हो गया अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर। अब इसको इसका फॉर्मूला इसका जो फॉर्मूला बन सकता है वो क्या बन सकता है y डैश इज इक्वल टू फोर टी अपॉन देखिए ये a माइनस बी a प्लस a माइनस बी a प्लस बी किसका होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। सिंपल सा ये है हमने फिर रिपीट करता हूं y इज इक्वल टू ln 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी। देखिए ये है अलजेब्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट ऑन पूरा तो ये लॉगरिथमिक है लेकिन ये आगे जो सिर्फ ln के आगे लिखा हुआ है अलजेब्रिक है। बहरहाल डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है t है dy ओवर dt लिया ये ऑपरेटर पहले ln पे गया ln को 1 अपॉन करके उतारा और फिर दोबारा इस पर अलजेब्रिक फंक्शन पे गया। अब ये यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा नीचे आ जाएगा उसके बाद इसको सिंपल तरीके से आपने डिफरेंशिएट कर दिया है। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का बहुत आसान सा सम था और इससे मतलब इस तरह की कोई इतनी मुश्किल फंक्शन इसमें नहीं है। हम इसके अलावा और भी फंक्शन करते हैं जिसमें आपके पास एक हम करते हैं y इज इक्वल टू ln t की पावर 5 y इज इक्वल टू ln t की पावर 5 देखें फिर वही डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t dy ओवर dt dy ओवर dt अब ln t 5 हमने जैसे पहले पढ़ चुके हैं क्या पढ़ चुके हैं हम ये पढ़ चुके हैं कि dy ओवर dt इज इक्वल टू पावर नीचे उतारेगा ये और पावर में से एक माइनस करेगा अब किस पे जाएगा अब ln t पे जाएगा सिंपल सा 5 ln t की पावर 4 ln t की क्या है 1 upon t है अब किस पे जाएगा ऑपरेटर t पे जाएगा इसको y डैश कर दें 5 ln t की पावर 4 अपॉन t ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है रिक्वायर्ड आंसर है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट आप ln का जो बेसिक चीजें हैं वो समझ गए इसके बाद ln के बाद जितना बड़ा फंक्शन होगा जो भी एक्सप्रेशन हो उसको वन अपॉन करके करना है फिर उसके हिसाब से उसमें अलजेब्रिक भी हो सकता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है इसमें इन्वर्स भी हो सकता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है और एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है तो हम एक्सपोनेंशियल का भी पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नया फंक्शन करेंगे वो मेरे ख्याल से वो आखिरी फंक्शन होगा और उसके बाद हम मजीद टॉपिक पे जाएंगे। आपका जब तक के लिए शुक्रिया।